सुप्रभात बच्चों, मेरे इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और मैं एक बार फिर आप लोगों के सामने आपके हिंदी व्याकरण के एक नए अध्याय को लेकर उपस्थित हुआ हूँ, अध्याय संख्या 12। और अध्याय का नाम है अव्यय या अविकारी शब्द। हिंदी व्याकरण पाठ 12, पाठ का क्या शीर्षक है? अव्यय या अविकारी शब्द। अव्यय या अविकारी शब्द यह इस वीडियो के द्वारा मैं आप लोगों को इस पाठ का एक्सरसाइज बताने जा रहा हूँ, क्योंकि यह दूसरा भाग है इस पाठ का, यह दूसरा भाग है, भाग दो। क्योंकि पहले भाग में मैंने इसे में क्या कंटेंट है, इसमें क्या इसे अव्यय अविकारी शब्द के बारे में बताया गया, मैंने बता दिया है, वर्णन कर दिया है, समझा दिया है। अब मैं एक्सरसाइज करने या करवाने जा रहा हूँ। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें एक्सरसाइज में पहला प्रश्न लिखेंगे, प्रश्न उत्तर हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर लिखने, लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, अव्यय से आप क्या समझते हैं? अव्यय या अविकारी शब्द पढ़ रहे हैं ना। अव्यय से आप क्या समझते हैं? अव्यय से आप अव्यय शब्द या अविकारी शब्द से क्या समझते हैं? तो अव्यय से आप क्या समझते हैं? तो उत्तर क्या लिखेंगे हम लोग? इसका उत्तर लिखेंगे कि जिन उत्तर होगा कि जिन शब्दों में लिंग वचन पुरुष काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। ये पहला उत्तर होगा। अव्यय से आप क्या समझते हैं? जिन शब्दों में लिंग वचन पुरुष काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें अव्यय कहते हैं। प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न है, अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? क्या उत्तर लिखेंगे? अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो हम लोगों मैंने बताया है अव्यय 4 प्रकार के होते हैं। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? तो अव्यय 4 प्रकार के होते हैं।
अब वह कितने प्रकार के होते हैं? पहला तो उत्तर हो गया कि जिन शब्दों में लिंग वचन पुरुष काल कारक आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसके कारण कोई परिवर्तन नहीं होता, उन्हें अव्यय कहते हैं। अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय चार प्रकार के होते हैं, उसमें कौन कौन लिखेंगे हम लोग? लिखेंगे क्रिया विशेषण, पहला क्रिया विशेषण, दूसरा लिखेंगे संबंध बोधक, संबंध बोधक, तीसरा लिखेंगे समुच्चय बोधक, समुच्चय, बोधक, एक और लिखते हैं, और अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? अव्यय चार प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, मैंने क्रिया विशेषण का भी वीडियो बना के पहले दिया है, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक, और तीसरा है, और चौथा जो प्रकार होगा, चौथा जो प्रकार होगा अव्यय शब्द का या अधिकारी शब्द का, तो क्या होगा? वह होगा विस्मय बोधक। क्या होगा? विस्मय यानी विस्मयादि बोधक। क्या लिखेंगे? विस्मयादि बोधक। मैंने इसको जब वर्णन किया इस पाठ को तो मैंने समझाया है, तो इसको हम लोग लिखेंगे। इसमें पहला है हो गया, अब हम लोग जो है इसका अगला देखेंगे। क्रिया विशेषण मैंने बताया था, क्या बताया था? एडवर्ब के बारे में, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या बताया था? संबंध बोधक। हम लोग संबंध बोधक संबंधवाचक पढ़ते हैं, और इसके बाद हम लोगों ने समुच्चय बोधक बताया था, कंजंक्शन, कंजंक्शन मतलब कनेक्टर जिसको बोलते हैं, जो दो सेंटेंस को, दो वर्ड को जोड़ता है, और एक विस्मयादि बोधक मतलब इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन बोलते हैं। अब जो है अगला उत्तर लिखेंगे, अगला उत्तर क्या लिखेंगे? तो अगला प्रश्न है क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? ये उत्तर लिखना है। क्या लिखेंगे? तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ये उत्तर है। अब जैसे जैसे लिखेंगे, जैसे कल परसों नीचे ऊपर तेज धीरे 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 इत्यादि।
ये उत्तर प्रश्न संख्या घ का है। प्रश्न संख्या घ है, समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? उत्तर क्या लिखेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं? उत्तर लिखेंगे दो शब्दों वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम करने वाले शब्दों को, दो शब्दों वाक्यों या वाक्यांशों, दो शब्दों वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ने का काम, जोड़ने का काम करने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे मतलब इंग्लिश ग्रामर के अनुसार कंजंक्शन, कंजंक्शन बोलते हैं ना, कंजंक्शन दो, जो दो सेंटेंस को, दो वर्ड को जोड़े। जैसे राम एंड श्याम आर फ्रेंड, तो इसमें एंड क्या हो गया? कंजंक्शन हो गया, कनेक्टर हो गया। उसी तरह हिंदी में भी राम और श्याम मित्र हैं। राम स्कूल नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार था। राम पढ़ाई में अच्छा है किंतु खेल में कमजोर है। इस तरह से तो ये सब कुछ जो वर्ड है, किंतु और क्योंकि, ये सब क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। ठीक है, तभी हम, मैं उसी का उदाहरण लिख रहा हूँ। जैसे तो हम लोग जैसे में लिखेंगे, और जैसे में, और एवं या तथा परंतु क्योंकि, इत्यादि, ये सब क्या है? ये सभी जो है वो समुच्चय बोधक के उदाहरण है, समुच्चय बोधक अव्यय के उदाहरण है। और राम और श्याम मित्र है, एवं वह राम एवं श्याम विद्यालय गए, या तो यह लो या तो वो लो, तथा, ठीक है, किंतु, अभी मैंने बता दिया राम पढ़ाई में अच्छा है किंतु खेल में कमजोर है। ठीक है, क्योंकि राम विद्यालय नहीं जा सका क्योंकि वह बीमार था। तो ये कुछ उदाहरण है समुच्चय बोधक के। तो आप लोगों ने देखा कि प्रश्न संख्या एक में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर में ये चार ही प्रश्न है जिसका उत्तर हम, मैंने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद जो है आप लोग इसको लिखेंगे और इसको अच्छे से याद करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।